डॉक्टर मधुरेश मैं अपोलो हॉस्पिटल में था मैंने फर्दर स्पाइन की स्पेशलिटी और दूरबीन वाली सर्जरी की स्पेशलिटी लंडन और कोरिया में रखे की लेकिन अब अब मैं इस पावन धरती पे आ गया हूँ आपके अपनी सेवा प्रदान करने के लिए स्पाइन की सर्जरी के लिए जिसके लिए लोग बाहर जाते थे दूरबीन की सर्जरी जो स्पोर्ट्स इंजरी होती है घुटना बदलना जोड़ बदलना ये सब सारी सुविधाएं अत्याधुनिक मशीन द्वारा जो कि इंडिया में लेटेस्ट सब जगह आई हुई हैं वही मैं यहाँ पे अपने यहाँ लगाया हुआ नमस्कार मैं हूँ आकाश और आप देख रहे हैं न्यूज लगातार है, हम लोग खबरों में बने हुए हैं और आज हम खास बातचीत करेंगे शिवान के बिल्कुल युवा डॉक्टर जो आर्थोपैडिक्स हैं आर्थोसर्जन हैं वो शिवान में इनका पदार्पण हो चुका है हालांकि ये वैशाली के रहने वाले हैं लेकिन बेसिकली इनका यहाँ से अच्छा लगाव रहा है और यहाँ के लोगों की अब सेवा देंगे फिलहाल किन किन मुद्दों पे हम बात करेंगे इन सारी बातों से बात करेंगे लेकिन अभी ठंड की शुरुआत हो चुकी है और ठंड में अधिकतर जो आधे से ज़्यादा उम्र पार कर चुके हैं उन्हें बहुत सारे समस्याओं का सामना करना पड़ता है बैक बोन होते हैं घुटनों में दर्द होते हैं इन सारी चीज़ों पे बात करेंगे फिलहाल मधुरेश जी न्यूज बिज में आपका स्वागत है सबसे पहले सर आपसे जानना चाहेंगे कि सिवान जैसे जगहों पे आपने अपनी प्रैक्टिस शुरू की युवा हैं कहीं बड़े जगहों पे करते रीज़न क्या रहा है यहाँ पर नमस्कार सबसे पहले सिवान के इस पावन धरती पे सारे जनता को हमारा नमस्कार मैं डॉक्टर मधुरेश मैं अपना पीजी जी लखनऊ से करा उसके बाद मैं अपोलो हॉस्पिटल में था मैंने फ़र्दर स्पाइन की स्पेशलिटी और दूरबीन वाली सर्जरी की स्पेशलिटी लंडन और कोरिया में रह के की लेकिन अब अब मैं इस पावन धरती पे आ गया हूँ आपके अपनी सेवा प्रदान करने के लिए मैं चाहता हूँ आप लोगों का सिवान की जनता का हमें प्यार मिले और आशीर्वाद मिले यही पवन धरती पे आए हुए हैं राजेंद्र प्रसाद की ये धरती है और काफ़ी मेडिकल के क्षेत्र में कहें तो अच्छे अच्छे डॉक्टर है हैं यहाँ राम रामाजी जैसे बड़े डॉक्टरों के साथ भी इनका अच्छा संबंध रहा है और उन्हीं के दिशा निर्देश पे वो यहाँ पे अब नई शुरुआत करने जा रहे हैं और उनतीस तारीख को इनके इस हॉस्पिटल का ऑर्गेनाइजेशन भी है तो मैं इनसे कुछ बात करता हूँ और वो बात होगी कि औरतों से जुड़ा हुआ कौन कौन सी बीमारी आजकल लोगों को ज़्यादा होती है उससे कैसे हम घरेलू उपचार कर सकते हैं विशेष क्या दिक्कतें होती हैं कैसे डॉक्टरों से संपर्क किया जाए और क्या क्या उसके इलाज हैं सर अभी ठंडी का समय है हम लोग देखते हैं लगातार कि जो भी मिडिल एज के लोग होते हैं उनको घुटनों में दर्द ए, स्पाइन में दर्द अधिकतर होते हैं जोड़ में दर्द होते हैं इसको बचने के लिए हम लोग क्या करना चाहिए जी बिल्कुल सही कहा आपने ठंड में ऐसी तकलीफें ज़्यादा बढ़ जाती हैं और ख़ासकर उम्र दराज लोगों को तकलीफ़ें ज़्यादा तकलीफ़ हो जाती है ऐसे में घर में बहुत कुछ सावधानियां हैं जैसे कि जब ठंड का अभी आगाज़ हुआ है तो खासकर आप गरम कपड़े ज़रूर पहने मोज़ा और मोज़े और हाथ में दस्ताने ज़रूर पहने क्योंकि ऐसे जोड़ों में सूजन आने लगती है थोड़ी गरम पानी में नमक डाल के सिकाई कर सकते हैं आप नहाएं हमेशा गरम पानी में नहाए ठंड में जाने से बचें इस तरह से कुछ बचाव बचाव होते हैं जैसे अगर आपके पीठ में दर्द है तो आपको कुछ एक्सरसाइज होती है पीठ की उन वो किया जाए आगे झुकना आगे झुक के कुछ काम नहीं करें भारी वज़न नहीं उठाएं अच्छा खाना खाएं पौष्टिक खाना एक सबसे बेसिक रिक्वायरमेंट है अच्छे हेल्थ के लिए तो उसको ज़रूर पूरा करें ऐसी कुछ दिक्कतें हैं ऐसी कुछ सावधानियां ऐसी कुछ इनके इलाज है जो कि किया जा सकता है कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है कि घर में रहकर हम वो ठीक कर सकते हैं लेकिन विशेष दिक्कत होती है तो डॉक्टर से निश्चित तो रूप से मिलना चाहिए और उनकी सलाह लेनी चाहिए और मैं आपको बता दूँ कि अभी कोविड की स्थिति बहुत ही ख़राब है और इसमें क्या रोकथाम होने चाहिए किस तरह की समस्याएं हो सकती हैं इस पर भी बात करते हैं सर कोविड को लेकर काफ़ी गाइडलाइंस जारी हुए हैं सरकार ने किए हैं और स्थानीय है, आप सिवान जैसे जगहों पर देख रहे होंगे कि लोग काफ़ी लापरवाह हैं तो ऐसे में क्या होना चाहिए क्या आपके पास क्या विशेष नहीं बिल्कुल सही कहा आपने ये एक मुद्दा बहुत गंभीर मुद्दा है आज के डेट में कोरोना हमें जो तकलीफ़ एक महामारी फैली हुई है उसको ध्यान में रखते हुए जो सावधानी और जो गाइडलाइंस हमें जारी किए गए हैं उसका बिल्कुल पालन करना चाहिए सबसे सबसे जो ज़रूरी चीज़ है वो मास्क लगाना है बहुत छोटी सी सावधानी बहुत छोटी सी चीज़ है लोगों आपको ये समझनी चाहिए कि एक छोटी सी चीज़ आपको बहुत बड़ी बीमारी से बचा सकती है गंभीर बीमारी है मास्क बिल्कुल लगाएं जो डिस्टेंस का पालन करें और खासकर अभी कुछ बहुत ज़्यादा जो फंक्शंस होते हैं उसमें जाने से बचें भीड़ भाड़ जाने से बचें मार्केट जितनी ज़रूरी है उतने ही जाएं और अगर आपको ये लक्षण होने लगते हैं अगर कोविड के से सर्दी जुकाम सांस लेने में तकलीफ होने लगते हैं तो बिल्कुल अपने डॉक्टर से से संपर्क करें इस बीमारी को छुपाने की जरूरत नहीं है ये कोई छुआछूत की बीमारी नहीं है अगर आप जल्दी संक्रमण का आपको इलाज हो जाएगा तो आप अपने घर वालों को भी बचाएंगे ये मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि स्वस्थ रहें खुश रहें खुश रहें सर डॉक्टर होने के नाते दो तीन चीज़ें जो हैं काफ़ी समाज में फैल रही हैं जो विशेष नहीं है अभी देखिए चुनाव था चुनाव में देखा जाए कि नेताओं ने बहुत सारी पाबंदियाँ तोड़ी पहले चौदह दिन का क्वारंटाइन होना था फिर उसके बाद से सात दिन का हो गया अब दो दिन हो गया है इस तरह से आप घर में ही रह के आप क्वारंटाइन को ठीक कर सकते हो तो ऐसे तो तो में लगातार ये नियम चेंज होते रहे इसके पीछे का रीज़न क्या है क्या लग रहा है कि ये बीमारी जो पहले जिस तरह से खतरनाक थी अब वो उस उस तरह की खतरनाक नहीं रह गई है या फिर लोग लापरवाह ज़्यादा हो गए हैं लोग मरना कम हो गए हैं ऐसा कुछ है बिल्कुल सही सवाल किया आपने जो ये बीमारी है ये पहली बार ये दुनिया में आई है इसके बारे में ना किताब में हमने पढ़ा ना किसी ने पढ़ा कोई डॉक्टर ने नहीं, नहीं पढ़ा लेकिन जब ये आई तब तो सब दुनिया भर के साइंटिस्ट लोग इस पर रिसर्च कर रहे हैं तो रिसर्च से जितनी चीज़ें नए धीरे धीरे पता चलती हैं तो हर दिन गाइडलाइंस बदलता है अब शुरू में बिल्कुल चौदह दिन का गाइडलाइंस था लेकिन ये बीमारी अब इतनी फैल गई है कि अगर सब लोग चौदह दिन के रहे तो अब यह है कि जितनी कोशिश हो सकती है उतना रहें अगर आपको पॉसिबल है चौदह दिन का घर में रहना तो बिल्कुल रहें नहीं तो फिलहाल सात दिन और अपने एक कमरे में रहें घर में रहें क्योंकि हॉस्पिटल भी एक लिमिटेड सीट्स है बेड्स है वहाँ पर भी तो जिस तरह से इलाज हो बेस्ट पॉसिबल इलाज ज़्यादा गंभीर मरीज है हॉस्पिटल जाएँ कम गंभीर मरीज अपने रूम में रहें वहाँ पे अपना इलाज हो सकता है इसमें जो जिस स्तर पे ये बीमारी फैली जिस स्तर पे लोग मरे ऐसा इंडिया में हुआ नहीं खास करके हम लोग के क्षेत्र में नहीं हुआ इसके पीछे का रीजन क्या लग रहा है क्यों नहीं हुआ ऐसा फिर बहुत रीजंस बहुत पेपर्स मैंने भी पढ़े साइंटिफिक पेपर्स पढ़े हैं कि इंडिया में ये दिक्कतें नहीं आ, कम थोड़ी आई हैं बाकी जैसे अमेरिका लंदन ये सब में दिक्कतें ज़्यादा आई हैं यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा मोटैलिटी है इंडिया में कम है इसके पीछे दो तीन थ्योरीज रखी गई हैं क्योंकि अभी कोरोना को समझने में बहुत टाइम लगेगा साइंटिस्ट लोगों को तो दो तो, तीन थ्योरीज़ ये हैं कि जैसे अपने इंडिया में ट्यूबरक्रोसिस बहुत ज़्यादा है तो उसके जो बीसीजी वैक्सीन हम लोग सब बचपन में सबको लगते है सारे बच्चों की लगती है तो कहा गया कि ये बीसीजी वैक्सीन इसका प्रोटेक्टिव है तो ये कुछ धारणाएं हैं कि ये सब चीज़ें हैं और एक हर चीज़ का एक जोग्राफिकल भी होता है कि हमारी इम्यूनिटी थोड़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहती है तो ये सब कुछ चीज़ें हैं जो ऐसा कहें ना सीधे रफ फसा में कि हम लोग ज़्यादा ही पहले वायरस खा चुके हैं इसलिए वायरस ज़्यादा ऐसा मतलब बोल सकते हैं बट नहीं है लेकिन फिर भी मतलब जो एक इम्यूनिटी है हमारे में वो ज़्यादा है बाकी चीज़ों से इसके कंपैरिज़न में आप अपने नया हॉस्पिटल खोल रहे हैं इसके लिए क्या कहेंगे लोग बिल्कुल मैं कहना चाहूँगा इस पवित्र धरती सिवान के लोगों के से मैं यही कहना चाहूँगा अब आपका आशीर्वाद और आपका प्यार चाहिए मैं अपने बारे में ये बता सकता हूँ कि मैं हड्डी के समस्त फ्रैक्चर और रोगों का इलाज कर सकता हूँ स्पाइन की सर्जरी के लिए जिसके लिए लोग बाहर जाते थे वो आप जाने की जरूरत नहीं है मैं सारे स्पाइन की सर्जरी कर सकता हूँ दूरबीन की सर्जरी जो स्पोर्ट्स इंजरी होती है दूरबीन के लिगामेंट बनाने की सारी सर्जरीज यहाँ होती है घुटना बदलना जोड़ बदलना ये सब सारी सुविधाएँ अत्याधुनिक मशीन द्वारा जो कि इंडिया में लेटेस्ट सब जगह आई हुई हैं वही मैं यहाँ पर अपने यहाँ लगाया हुआ हूँ और मैं चाहता हूँ उनतीस तारीख को आप लोग आएँ और हॉस्पिटल देखें हमसे मिलें और अपना आशीर्वाद और प्यार दें धन्यवाद तो ये थे डॉक्टर मधुरेश कुमार जो अब शिवान में लगातार लोगों की सेवा के लिए हैं और सबसे बड़ी बात ये है कि अर्थो के क्षेत्र में ये एक विशेष यहाँ पे टेक्नोलॉजी लेके आए हैं सारे अत्याधुनिक मशीनों के साथ ये इलाज करेंगे और जो भी लोग बाहर जाके अपना इलाज कराते थे अर्थों से जुड़े हुए स्पाइन से जुड़े हुए या हड्डियों से जुड़े हुए जो भी इलाज थे अब यहाँ संभव हो पाएंगे ऐसे में धीरे धीरे टेक्नोलॉजी के साथ आगे बढ़ रहा है सिवान का मेडिकल का क्षेत्र और इसके लिए सिवान काफ़ी पीछा हुआ था पिछड़ा हुआ था लेकिन अभी बहुत आगे आ चुका है और ऐसे में मदुर जी की यहाँ अहम भूमिका होगी अब देखना ये होगा कि जनता इन पर कितना विश्वास करती है और जनता इनके सेवा से कितनी खुश होती है सिवान से आकाश